नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में MKV और MP4 दोनों को एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे, मतलब MP4 को MKV में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे और MKV को MP4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि फ्री है और फास्ट वर्क करता है और ओपन सोर्स भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है ये बनाया हुआ है, आई बटन पे आपको या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है MediaMux और इसका वर्जन अभी 1.6.0 चल रहा है। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है MKV फाइल को MP4 में। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है ये वाली, इस फाइल को मैं अभी फिलहाल में मेरा जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, या आप यहाँ से भी इसे फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से उठाता हूँ और ये MediaMux में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया, उसके बाद में कंटेनर यहाँ पे शो हो रहा है, कंटेनर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो MKV फाइल है इसको कन्वर्ट करना है MP4 में। ठीक है, मैं MP4 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कहता हूँ स्टार्ट मक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है, एक MP4 वाली फाइल या आ जाएगी आप फोल्डर में। देखिए, मैं स्टार्ट मक्स करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक फाइल MP4 में आ गई। अब मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और MP4 फाइल को यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ से कंटेनर में से MKV लेता हूँ और स्टार्ट मक्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से एक MKV फाइल आ जाएगी। देखिएगा, पहले वाली फाइल थी, सही करे, कोई भी फाइल का रीनेम नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे देखिएगा पेनड्राइव राइट प्रोटेक्टेड को कैसे सही करे _2 यहाँ पे आ गया है, मतलब ये नई फाइल यहाँ पे आपकी बन गई है। तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से MKV फाइल को MP4 में और MP4 फाइल को MKV में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करिए, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इसके मैंने बहुत सारे फीचर मेरे चैनल पे बताए हैं, इसको एक बार जरूर यूज करिए। अगर आपको फिर भी इस सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।